identify the correct stability order in the nitroanilines. तो आप ये देख सकते हो इसमें जो nitroanilines हैं, ठीक है? Nitroanilines का structure हम लोग बनाते हैं, सबसे पहले तो हम aniline का structure बनाएं, और aniline ये होता है benzene ring पे NH2, ठीक है? अब आपको दिया हुआ है ortho nitroaniline, NO2, ठीक है? ortho nitroaniline, ortho nitroaniline. Second position पे आपको दिया हुआ है para nitroaniline, मतलब NH2, और उसकी para position पे आपको दिया हुआ है NO2, इसको हम लोग बोलेंगे para, ठीक है? और आई का आपको दिया हुआ है मेटा नाइट्रोएनिलीन, तो आप यहाँ पे देख सकते हो NH2 और इसके मेटा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है NO2, ठीक है? अब यहाँ पे हमें क्या लगाना है, इसमें आइडेंटिफाई द क्वेरी बेसिसिटी ऑर्डर. देखो यहाँ बेसिसिटी सबसे कम होगी क्योंकि इसका कौन सा इफेक्ट लगता है, SIP इफेक्ट लगता है, तो यहाँ पे बेसिसिटी क्या हो जाएगी, लो. बेसिसिटी क्या हो जाएगी इसकी, कम हो जाएगी. जबकि यहाँ पे हम लोग देखे तो कौन सा इफेक्ट लगा हुआ है, माइनस एम, और यहाँ कौन सा इफेक्ट लगा हुआ है, माइनस आई, ठीक है? तो माइनस एम क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है माइनस आई के कंपैरिजन में, ठीक है? ये क्या होता है, मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक है? और ये क्या होता है, लेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, लेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. तो सबसे पहले इसमें आंसर आना चाहिए मेटा नाइट्रो, फिर आना चाहिए पेगा, फिर आना चाहिए ऑर्थो, ठीक है? तो इसमें आपका जो आंसर आना चाहिए मेटा, पेगा और ऑर्थो, ये वाला आंसर इसका आना चाहिए. दैट विल बी द ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर.